हेलो राइडर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया मोटो। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं TVS की तरफ से रेडियन को और हीरो की तरफ से स्प्लेंडर प्लस को। दोनों ही मोटरसाइकिल अपने अपने ब्रांड की तरफ से टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल हैं। सबसे ज़्यादा यूनिट्स इन मोटरसाइकिल की सेल होती हैं। TVS रेडियन हाल ही में लॉन्च हुई है TVS की तरफ से और हीरो स्प्लेंडर प्लस ने काफ़ी टाइम से कब्जा किया हुआ है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों मोटरसाइकिल का कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोटरसाइकिल के प्राइस की। तो TVS रेडियन का जो बेस वेरिएंट है उसका जो प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, यह है 60,442 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। और हीरो स्प्लेंडर प्लस का प्राइस है 60,960 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। हीरो स्प्लेंडर प्लस का भी ये बेस वेरिएंट है। इससे ऊपर का वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिलता है। TVS रेडियन में आप चाहे कोई सा भी वेरिएंट लें, इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट प्लस किक स्टार्ट होगा। TVS रेडियन में आपको जो इंजन मिलता है वो है 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, और यह इंजन प्रोड्यूस करता है 8.19 PS की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हीरो स्प्लेंडर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 8.2 PS की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 4 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, मतलब कि 4 गियर आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलेंगे। दोनों ही मोटरसाइकिल चेन ड्राइव हैं और फ्यूल इंजेक्शन भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। कार्बोरेटर बेसिकली अब किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं है। दोनों ही बाइक अभी फ़िलहाल BS6 कंप्लायंट है, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल इनमें से BS4 कंप्लायंट तो नहीं है, कि आने वाला कोई नया मॉडल तो नहीं है इनकी तरफ से। नहीं, दोनों ही मोटरसाइकिल BS6 वेरिएंट में अवेलेबल हैं शोरूम्स में। दोनों ही मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर है और जो टैकोमीटर है वो एनालॉग मिलता है, डिजिटल नहीं है। इसमें जो ट्रिप मीटर है वो भी आपको एनालॉग ही मिलेगा दोनों बाइक में। हेलोजन हेडलैम्प और पीछे की तरफ टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं। सामने की तरफ आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, जैसे कि आपको अभी तक मिलता हुआ आ रहा। नए बॉडी ग्राफिक्स जो है हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको TVS रेडियन में मिलता है 180mm का, और हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको मिलता है 165mm का। तो TVS रेडियन का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है हीरो स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आप थोड़ी ख़राब सड़कों पर चलाते हैं, या जहां आप रहते हैं वहां पर सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, तो वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस काम आता है। TVS रेडियन में आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक, हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको मिलता है 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक। दोनों ही बाइक आपको 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बहुत ज़्यादा आसानी से दे सकती हैं। TVS रेडियन का जो कर्व वेट है या फिर ड्राइव वेट हम जिसको बोलते हैं वो है 116 kg। दूसरी तरफ हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो ड्राइव वेट है वो है 110 kg, 110 kg। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 6 किलो का फ़र्क है। TVS रेडियन 6 किलो से ज़्यादा हैवी है हीरो स्प्लेंडर के कंपैरिजन में। दोनों ही बाइक में आपको मेंटेनेंस फ्री, मतलब कि जो लेड ड्राइव बैटरी हैं वो मिलती हैं आपको। अब वो एसिड वाली बैटरी किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों बाइक में मिलेंगे और दोनों ही बाइक में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सामने के व्हील में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और पीछे के व्हील में भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है दोनों बाइक का कंपैरिजन, और अब बात करते हैं कि क्या खास है TVS रेडियन में और क्या खास है हीरो स्प्लेंडर प्लस में। तो TVS रेडियन को अगर कंपेयर किया जाए हीरो स्प्लेंडर प्लस से, तो TVS रेडियन की जो मोटर है या फिर जो इंजन है वो हीरो स्प्लेंडर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टॉर्की है। आपको पावर फील होता है और परफॉर्मेंस भी फील होती है। आपको लगता नहीं है कि आप 110 सीसी की बाइक चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप 150 सीसी की बाइक चला रहे हैं। प्रीमियमनेस फील होती है TVS रेडियन के ऊपर आपको बैठकर, और सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है हीरो स्प्लेंडर के मुकाबले। हीरो स्प्लेंडर में क्या खास है ऐसा, हीरो स्प्लेंडर की जो माइलेज है, जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है TVS रेडियन के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही बाइक आपको 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आसानी से दे सकती हैं, लेकिन हीरो स्प्लेंडर प्लस आपको 65 प्लस किलोमीटर
पर लीटर की माइलेज भी दे सकती हैं। हीरो स्प्लेंडर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको फील होता है कि ये जो बाइक है हीरो ने बनाई है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हीरो की जो स्प्लेंडर बाइक है वो ऐसी बाइक है, ये आपको कभी भी रास्ते में कहीं भी धोखा नहीं देगी। बस आपको जो अपनी बाइक को है रेगुलरली मेंटेन करना होता है और कभी भी आपको इससे कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो फाइनली अगर आप पूछें कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक के जो प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लगभग आसपास हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि कौन सी बाइक बेटर है। तो अगर आप लुक्स के मामले में जाना चाहते हैं तो लुक्स और कंफर्ट के हिसाब से TVS Radeon बहुत अच्छी बाइक है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और जो कॉन्फिडेंस है बाइक में चाहिए तो वो आप हीरो स्प्लेंडर प्लस लेकर आपको वो मिलेगा। लास्ट में मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई बाइक खरीद रहे हैं तो दोनों ही बाइक को एक बार शोरूम में जाके, डीलरशिप में जाके टेस्ट राइड कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आपको पर्सनली कौन सी बाइक ज़्यादा सूट करेगी। आप मुझे बताइए कि दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई है। अपने थॉट्स आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।